बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसी है जनाब मेरी तमाम YouTube फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब सही है। दूध दही के साथ एक और नया व्लॉग। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मैं बनाने लगी हूँ आलू मटर की सब्जी। कौन है परी? कौन खड़ा है? नारियल वाला। सुना आपने, जो दरवाजे पे आ जाए नारियल वाला पैसे देना, पेटिस वाला पैसे देना, फलाने वाला पैसे देना, ढिमकाने वाला पैसे देना, पैसे देना पैसे देना। ये वाला आया है, वो वाला आया है, इस वाला आया है, उस वाला आया है, देना 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 पैसे देना। और अगर 10 रुपए खुले नहीं हो तो मैं खुले करवा दूंगी। तो बस 10 ही का लेना, फिर ज्यादा का नहीं लेना। आलू मटर की सब्जी बनाने लगी हूँ मैं। शाम हो रही है और मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है आज। थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा गर्म, बल्कि ज्यादा गर्म और ठंडा कम ही है। सजबीर का दिल चाह रहा है कुछ बनाया जाए, कुछ खाया जाए, लेकिन हमारे गैस का इतना बड़ा इश्यू है कि सिलेंडर पे कुछ बन नहीं सकता। और ले लिया, दिल चाह रहा पूरी थाली ले लूं। पूरी थाली ले लूं, बट क्या करें, बेचारे अंकल का। व्लॉग मैंने अपना शुरू कर लिया है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या बोलना है। व्लॉग शुरू करने के बाद, कैमरा ऑन करने के बाद मोबाइल मैंने सामने रख दिया है। प्याज मैंने काट लिए हैं, टमाटर मैंने छील लिए हैं, आलू मुझे छीलने हैं। समझ कुछ नहीं आ रहा है। दूध ना दही निरा यही 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 चुस्की चुस्का चुस्की का चस्का। लेकिन व्लॉग डालना है क्योंकि YouTube की पॉलिसी है, डेली व्लॉग डाले हैं, डेली व्लॉग डाले हैं, डेली व्लॉग डाले हैं। कोई कंटेंट हो नहीं हो, कुछ हो या ना हो, व्लॉग तो रोज डलेगा। तो मेरी तारीफ करो। हम उन सास के बारे में बात कर लेते हैं जो सास बहू की बातें नहीं क्या करो, क्योंकि मैं सास अभी बनी नहीं हूँ ना सजवीर, बहू तो मैं बनी हूँ तो बस इनकी बातें नहीं क्या करो। जो अपने वो कहते हैं ना कि अपने उसमें झांकती नहीं है, घर में झांकती नहीं है, पराए घरों की टोने रहती हैं। भाई आपका घर का तो हाल का पता ही को नहीं है, पराए घर में झांकती फिर है। तो उन सासों के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी बेटियां 10 बजे तक सोती हैं, तो वो तो उनकी बेटियां हैं। बहुएं अगर 10 बजे तक सो जाती हैं तो भाई हमारी तो बहू 10 बजे तक सोए, हमारी भूखा तो कोई हाल को नहीं, 10 बजे तक सोई रहे। आदमी ड्यूटी पर चला जावे, आप ही चाय बना लो। हंसी आती है मुझे सी फनी फनी टॉक्स पर। और वही काम अगर बेटियां कर लेंगे, 10 बजे तक बेटियां सो रही हैं, तो उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनको बोलने वाला कोई नहीं है कि भाई मारी बेटी तो 10 बजे तक सोए। मारी बेटी ने 10 बजे तक मैं सोना कौन दूं। आपकी बेटी खुद 8 बजे उठ जाती है। हम तो भैया नहीं सो सकते 10 बजे तक। रमजान का महीना एक वाहिद महीना है जिसमें भी 10 बजे तक नींद आती, जिसमें मैं हाँ ना, जिसमें मैं थोड़ी सी देर आराम कर लेती हूँ, सो लेती हूँ, लेकिन उसमें भी मैं 10 बजे तक नहीं सो पाती, मुझे नींद ही नहीं आती, मुझे सोया ही नहीं जाता 10 बजे तक। मेरे व्लॉग है ना उल्टे हो जाते हैं, अक्सर गड़बड़ हो जाते हैं, फिर भी लोग देख रहे होते हैं। ये देखें जनाब, हमारे यहाँ के गैस का आलम इतने छोटे से सिलेंडर पे, हमें सिलेंडर का साइज़ तो देखें जनाब, इतने छोटे से सिलेंडर पे हमें खाना बनाना पड़ता है। इतने मुन्नू से सिलेंडर पे हम खाना बनाते हैं। क्या खा रही है चूरन, क्यों खाती है ये गंदी चीजें? मुझे पसंद है, अभी तो मुझे पता लगा दुनिया में ऐसी चीजें ही मिलती हैं। गंदी बात नहीं खाया करो ऐसी चीजें। मेरे व्लॉग उल्टे सीधे हो गए ना सच, भी अच्छी बात नहीं होगी।
तो भाई फिर अपनी बेटियों को जो आपकी बेटियां ना देखेंगे नहीं और पराई बेटियां ना भूआ बना के लावा और फिर बंदा सोना जागना पर बापर एतराजात करा, तो बना पहले अपने घर की बेटियां का बारे में पूरी खबर होनी चाहिए कि मेरी भी तो बेटी क्या है, क्या मेरे हाथों की लकीरें दिखा रही है कि मारी भी तो बेटियां हैं, 10-10 बजे तक सोवा, अगर भूमे थोड़ी देर तक सो लेवा तो कोई हर्ज को नहीं, कोई फर्क को नहीं पड़ा। लेकिन नहीं, हाँ बेचारियाँ ना बहुत फर्क पड़ा, ना बेटियां ना बिला सुलाने का शौक और बुआ से धंधे पिटाने का शौक। 100% औरतें भी ऐसी नहीं होती, लेकिन 75% औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें बहुओं के सोने पर बे इंतहा एतराज होता है, और उसी घर में उनकी बेटियां देर तक सो रही होती हैं। बापड़ी जागी थी रात में पढ़ रही थी, बहू में बच्चा जगा जगा के भले जागती रहे, पढ़ रही थी बापड़ी लिए थोड़ी देर सोगी। अल्लाह अल्लाह ताला हिदायत दे इस लोगों ना। मेरा तो भाई एक ही बेटा, जिस दिन ब्याहूंगी ना बस, क्या बस करके जाऊंगी, अल्लाह ही हाफिज़ है क्या अल्लाह हाफिज़ है। अल्लाह मैं अच्छी सास साबित करना परवरदिगार, मैं अच्छी सास साबित हूँ। औरत की नेचर का पता उसके साथ बनने के बाद, रिश्ता मैं बड़ा अच्छा निभाया, बस मैं एक सास का रिश्ता अच्छा से निभा सकूँ। रिश्तों को मैंने बड़ी मुखलिसी से निभाया है जनाब, मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपने रिश्ते बड़ी मुखलिसी के साथ निभाती हूँ, बड़े खलूस के साथ निभाती हूँ। लेकिन जिन रिश्तों के अंदर मुझे नज़र आ जाती है ना मुनाफ़त, फिर मैं किनारा खामोशी से किनारा कर लेती हूँ। राड़ से बल्ली बाढ़ और बस्ती से बल्ली उजाड़, लेकिन मेरे उजाड़ को नहीं, अलहम्दुलिल्लाह मेरा बड़ी रौनक है। आलू मैं छील चुकी हूँ, देख रहे हो थे, यस मैं आलू छील रही हूँ। इतना करीब से दिखा दे, ये भी दिखा दे कि जला हुआ है मेरा हाथ, इनका हाथ जल गया था गाइस, ये पापड़ तल रही थी मेरे लिए। ये होता है तरीका कैमरा पकड़ने का, इतनी जहालत अच्छी नहीं होती। मम्मा क्या हो गया, क्या हो गया बकवास कर रही है बेस्ती हो मोए 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 ओड़े जी थाए मोए मोए। मटर छील कर रख दी है मैं, आलू छील रही हूँ, प्याज फ्राई होना कर रही है, डाल दिए कढ़ाई के अंदर, खाना करिए क्या रह गया, यही आलू मटर आलू मटर आलू मटर आलू मटर चिकन मटर चिकन मटर, बस यही रह गया खाना के लिए। और गैस ना होने की सूरत में वैसे ही कुछ नहीं बनाया जा रहा, गैस सही तो बन रहा है आपका वीडियो, मारो नहीं मेरे को, बन रही है सही वीडियो। तो सारे आलू छील छील के दिखाओगी क्या एक दो, बाकी चबीले आलू अपने रिश्तेदारों जैसे आपके बाबा उठा के लिया है, बोलूंगी ऐसे ही बोलूंगी, देख तो सही टेढ़े मेढ़े छोटे छोटे और सब छोटे 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 आलू लाए आप जिसे बांके चबीले। सालन मैंने बना लिया है, अब मैं बनाने जा रही हूँ। सालन मैंने बना लिया है, वाओ बना लिया है, सालन मैंने बना लिया है। ये कौन सा सालन था वो बोला आपने, जगह मम्मा मुझे ऐसे मारती गई जैसे इस पेड़ को मार रही ना, ऐसे मारती तुझे तो मैं आपके बाबा की बनानी है और मजे मजे की चकोरियां मेरी बनानी है। हाँ सजबील भानुआंटी की गली थी, भानुआंटी ने सजबील को गर्मा गर्म मजेदार कचोरियां मंगा कर खिलाई। सजबील का तो चाय बिस्किट, चाय बिस्किट और मजेदार कचोरियां ये भानुआंटी के खाकर रही, इनका तो पेट भरा हुआ है, लिहाजा रोटी सिर्फ मेरी आजकल मैं कम खाती हूँ, बाबा की बनेगी रोटियां, सिर्फ मेरी बनेंगी और इनके बाबा की बनेंगी। सर्दी हो रही है आज, गर्मी आने वाली है, रोजे आने वाले। अब मेरी मम्मा का व्लॉग है ना ताजुद के टाइम से शुरू हो करेगा, फजर में शुरू होता है ना, फिर मैं और मेरी मम्मा उठा करेंगे। अब इंशाल्लाह हम तहज्जुद के वक्त उठा करेंगे, इंशाल्लाह मैं इस बार सारे रोजे रखूंगी इंशाल्लाह। मम्मा डरा रही क्यों, तू तो बस हर बात से डर जा, तो ऐसे कोपरा कोपरा कोल्ला कोल्ला का बाद निकाल के डराती हो। चल जा भाग जा, मैं गर्म गर्म रोटियां बना लेती हूँ, रोटियां बनाने के बाद शोरबा की सब्जी में चटनी डाल के आलू मटर में चूर चूर के रोटी खाई कहाँ जावा, बस सब मैं खाना दिखाऊंगी शोरबा की रोटी में।
आलू मटर की सब्जी मेरी शोरबे वाली बन गई है और इसमें मैंने चटनी भी डाली है थोड़ी सी। मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आता करीब का कैमरा करके। और ये रोटी मैं चूरना शुरू हो गई, चूर चूर के रोटी। अल्लाह की कसम हाथ इतने काले हैं नहीं जितने लग रहे हैं। इतने हाथ काले को नहीं मेरे तो भाई, जितने हाथ काले मेरे ब्लॉग में लाग रहे हैं अल्लाह तो बस तक पर। और ये स्वाद से गर्मा गर्म आलू मटर का शोरबा और आलू मटर की सब्जी और चटनी। सजबिल अपना मुंह बंद कर लो, मुझे किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी। ये देखें टेस्टी आलू मटर की सब्जी शोरबे के साथ। और इसको खाओ, खाते जाओ। हाँ तेरे दांत बड़े हो जाएंगे, यही करेगी तो हो ही जाओगे बड़े एक दिन दांत तेरे। बस देख लिए आपके दांत दिखा रही है। ये था मेरा आज का विग्लोर। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सब आपकी मर्जी है, लेकिन दुआओं में आप जरूर करें। अल्लाह सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।